किसान आंदोलन पर नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर है, जहां एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर खून से खेती करने का आरोप लगाया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का तंज कसा है। जो गोधरा में हुआ क्या पानी की खेती थी क्या खून की खेती थी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है, इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कृषि मंत्री तो जरूर हैं, लेकिन आपके रिटर्न मैंने देखे, आपके प्रोफाइल देखी मैंने, आपने जो एफिडेविट दिया था चुनाव में, आपने उसमें खेती किसानी की जमीन का कहीं उल्लेख नहीं है। आपने बताया आपके पास कोई खेती की जमीन नहीं है, तो किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दो मंत्री लगाए, एक नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मेरे प्रांत के हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत नेक इंसान है, लेकिन जब उनके पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते होंगे। और पीयूष गोयल जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के स्पोक्स पर्सन, और मेरा तो ये आरोप है कि उनका पूरा जो ड्राफ्ट है इन तीनों किसान बिल का, इट वॉज ड्राफ्टेड इन मुंबई नॉट इन दिल्ली। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।